हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज सुबह से इनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, इन्होंने बहुत फन कर रखा है यहाँ पे। और अभी हो गया लंच टाइम, मम्मी ने बनाया है कद्दू की सब्जी और भात बनाया है। मम्मी जा रही है अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए, अनुष्का पड़ गई पीछे, मैंने भी जाना है। मम्मी ने मम्मी कह रही मैं मरने जा रही हूँ, इसको आराम मजा। ये तो ये ऊपर नीचे इसे पसंद नहीं आया शायद। क्या कर रही हो श्रद्धा? नहीं गंदा ची गंदा। अनुष्का को आ गया है गुस्सा, उसको होमवर्क नहीं करना है इसलिए वो गुस्सा हो गई है। उसको लेने जाना है आइसक्रीम, है ना अनुष्का? आइसक्रीम लेने जाना है, पहले ये वाला कर लो फिर आप जाओ, ठीक है? कहाँ जा रही हो? स्लाइड कर, स्लाइड कर जा, जस्ट स्लाइड कर, स्लाइड कर। ये नहीं पसंद आया, ये पसंद है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मम्मी भगा रही है गायों को, वो सीधे अंदर आ गई थी। वो हमारे पड़ोसियों का सारा पालक खा गई, वो लगे माली अंकल। श्रद्धा से निकल नहीं रहा है, श्रद्धा को आ रहा है गुस्सा। क्या वशा ना, क्या निकाल उसको, निकालो निकालो मेरे सोना, निकालो मेरे सोना। अरे बल्ले बल्ले, निकल गई। श्रद्धा का हेलमेट मम्मी। दादी दादी बोल लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता खूब रो खूब रखम था, अच्छी रहना, अच्छा ढंग से रखूं। किथे चले हो? वो किथे चले हो? ये देखो, इसको देखो जरा, इसको श्रद्धा की नोजी कहाँ है? नोजी का है, ये तो आईस है ना, आईस नोजी, नोज का है, नोज नोजी का है, नोजी। वेरी गुड, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस। ठीक है बच्चा, ठीक है, शाबाशी बच्चे। देखनी, हम चलते हैं अंदर, चलो अंदर चलो। कोरोना से बहुत बुरा हाल हो गया है, ऑल कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, यहाँ तक कि बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया है ना कि कैसे जाएं, सेफ्टी नहीं है, किसको कब हो जाए, खासकर बच्चों के लिए। जो 18 से ऊपर है उनके लिए भी इंजेक्शन आ गया है, 1 मई से अब 18 से जो ऊपर के लोग हैं उनको इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली महाराष्ट्र यूपी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उसके बाद आता उत्तराखंड भी, पंजाब तो बहुत ही है, पर जहाँ हम रह रहे हैं जलंधर में वहाँ भी फ़िलहाल फिर भी ठीक है। हमारे यहाँ पे सुनने में कोई अभी केस नहीं आया है कि हमारे एरिया के आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव होगा, अगर होगा भी तो बहुत दूर दूर से
कहीं से आए होंगे तो वैसे होंगे, वैसे नहीं हैं। प्लीज़ अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो मत जाएं, अगर कोई अर्जेंट काम है तो ही जाएं, वरना ना जाएं। और बच्चों को लेके प्लीज़ कहीं मत जाएं, और कहीं पे कोई घर में फंक्शन हो रहा है तो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत करें। या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब वैसी हो रही हैं, मैं भी बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और किसी को अगर लगता है कि हाँ हमें फीवर वगैरह कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज़ पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, ताकि और फैमिली मेम्बर्स को भी आगे ना पहुंच पाए और जल्दी से इलाज कर पाओ। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मेरी श्रद्धा सो चुकी है, ये आज खेलते खेलते सो गई है। अगर आपको मेरा ये बोला आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय।